हेलो फ्रेंड्स, आज जिस जानकारी के बारे में मैं बताने वाला हूं वो कोई जॉब नहीं, वो क्वालिफाइड सीए सीएमए के लिए नहीं है, बल्कि जो हमारे फर्म एलएलपी हैं, जो सीए फर्म और एलएलपी हैं उनके लिए है, जहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटी है कैग में ऑडिटर अपॉइंट होने की। तो यहां पे जो रिक्रूटमेंट है उनकी कैसे होगी और वो एलिजिबल है या नहीं, उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप फिर नोटिफिकेशन देख सकते हैं जो सीएजी ने निकाला है कि एम्पैनलमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म एलएलपीस फॉर द ईयर 1920, मतलब 1920 की जो ऑडिट्स होंगे सारी कंपनीज, पीएससी, ऑटोनोमस बॉडीज, इंस्टीट्यूशन की जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए सीए फर्म और एलएलपी की अपॉइंटमेंट होना है। तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 1 जनवरी से। तो अगर आप इसमें अपना नाम इनरोल कराना चाहते हैं और आप सीएजी ऑडिटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कहां से कैसे करने हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में ही लिंक भी दिया गया है, क्लिक हियर टू गो द रिलेवेंट वेबसाइट डायरेक्शन। तो यहां पे जाके आप डायरेक्टली सब कुछ देख सकते हैं और मैं बता दूंगा कहाँ पर क्या है। तो 1920 के लिए ये एम्पैनलमेंट है, इसके लिए अगर आप पहले से ही हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। अगर आप नए फर्म एलएलपी हैं जो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नया रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना है, उसके बाद सारे फाइल आपको अपडेट करने हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां पूछा जाएगा। तो आइए आपको पहले मैं बता देता हूँ कि इसके टर्म्स कंडीशन क्या हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। सो आप ये पूरी टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल आपके 7 टर्म्स एंड कंडीशन हैं। सो ये पूरी टर्म्स कंडीशन आप अपना पढ़ लीजिएगा, सेकंड में 7 है, फर्स्ट में 9 है। सो यहाँ पे सारे कुछ आपको जो मिलेंगे रीइंबर्समेंट किया जाएगा वो आपके फीस में ही इंक्लूड होगा। यहाँ बताया गया द कंपनी शुड कन्फर्म पास्ट ऑडिट डिटेल्स इंक्लूडिंग ऑडिट फीस, कंडीशन फॉर द कंपनी के लिए क्या है और कंडीशन फॉर द ऑडिटर्स दोनों के लिए बताया गया है। तो ये जो सेकेंड है ये ऑडिटर्स के लिए है और फर्स्ट जो है कंपनी के लिए है। तो यहाँ पे पूरा आपको एनेक्सर्स में बता दिया गया है। तो आइए अब बात कर लेते हैं साइट की। तो यहाँ पे साइट आप देख सकते हैं ये सीएजी का है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा सीए एम्पैनलमेंट के लिए, इस पर क्लिक करते एक एक्स्ट्रा पेज ओपन होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप पहले से ही सीए हैं और आपने सीएजी ऑडिटर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड होगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आप जो है प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप नए सीए फर्म हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नए हैं तो यहाँ पे क्रिएट यूजर्स में जाके क्रिएट करेंगे। उससे पहले आपको पूरी अगर पॉलिसी से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो यहाँ पे सारी पॉलिसी बताई गई हैं। मिसलिनियस में नोटिफिकेशन जो मैंने आपको अभी ये दिखाया है वो है और आपके टर्म्स एंड कंडीशन ये जो मैंने बताया वो हैं। सो आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू यूज़र पे जाएंगे और यहाँ पे अपने सीए फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो आपने ICAI से लिया हुआ है, सीए फॉर्म का नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस आपका, ईमेल एड्रेस फॉर डिफरेंट डोमेन अगर कोई और भी है तो उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, जैसे आपकी अगर वेबसाइट है तो उसका लिख दीजिए यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन नंबर अपना लिखेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी क्रिएट करेंगे, पासवर्ड बनाएंगे और ईमेल डाल के आप उसको सबमिट कर देंगे। जैसे ईमेल डालेंगे यहाँ पे सबमिट बटन ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो इस तरीके से आप नया यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हैं और सीएजी ऑडिटर बनने का ये सुनहरा मौका है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके सीए फ्रेंड्स हैं जो फर्म या एलएलपी में पार्टनर है उनको इन्फॉर्मेशन बता दीजिए अगर उन्हें नहीं पता है तो। सो अगर वो चाहते हैं कि सीएजी ऑडिटर बनना, सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सीए फर्म एलएलपी फ्रेंड्स को आप लोग शेयर करें और बताएं उन्हें कि अगर वो इस सीएजी ऑडिटर में जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। सो वीडियो देखने के लिए